तो इन जो बच्चे हैं ये सबको पढ़ाएंगे कैसे आप? तब काम तो यहाँ कर रहे हैं, स्कूल स्कूल इन लोगों का है नहीं, आप भी काम कर रहे हैं, आपके पिताजी भी काम कर रहे थे, और ये भी बच्चे भी ये काम करेंगे यही? नहीं तो कुछ न कुछ तो सर जो इतना चाहते हैं आप लोग आप नहीं पढ़ावेंगे। हाँ कुछ तो शिक्षक पढ़ेगा, हम लोग का उतना पढ़ नहीं पाए तो कुछ बल बचा के। आप लोग चाहते आप लोग थोड़ी ना चाहते होंगे कि आपके भी बच्चे ऐसा काम करें? चाहते हम लोग नहीं चाहते, नहीं चाहते ना ऐसा कुछ। हम जैसे कर रहे हैं फड़ुआ भी पकड़ने थे, हम अपने बाल बच्चे का फड़ुआ पकड़ा, ये हम लोग को जी सोच नहीं है, लेकिन आगे जाकर क्या होगा भविष्य में से हम क्या कहें? जी जी कोई भविष्य को तो बात नहीं जान रहा है। आज हम फड़ुआ पकड़ ले बिहान, हमका लड़का अगर जो कुछ पढ़ा दे तो कुछ मैं तो जाएंगे ना, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे फिर तो ये हमारा काम पकड़ लेगा। तो ताकि कुछ कमा के कुछ पैसा कौड़ी जोड़ जोड़ करके ताल के उसको साथ में लेके। अच्छा आप लोगों का खाता होता खुला है कि नहीं? आप लोगों का खाता खुला है जी? खाता खुला है, खाता तो खुला है। अच्छा ये देख रहे भेजा आप बिहार से हैं आप लोग ना? हाँ, क्या बोले थे नीतीश कुमार कि पैसा भेजावेंगे 3-3 हजार रुपया, गए देखे ना खाता में तो 1 रुपया नहीं है। क्या तो ये सब सब झूठे ना है? किसी किसी को आया है, किसी किसी को कुछ नहीं दिए, नहीं दिए मजदूरन पे स्टोरी आपके तौर पर ना 5% कुछ आया पैसा, कुछ 2% दिया, 3% गायब कर दें। अच्छा ये बताओ आप लोग, आप लोगों के परेशानी तो बहुत होते हैं यहाँ, दिक्कत बहुत होती है ना, तो आप लोग कभी भट्टा मालिक से शिकायत उकायत करे थे कि अगर कोनो दिक्कत उत्कत हो रही है जानवर उन्होंने राहत हुई रात उठ के जानवर यहाँ आई है ना कि ना होती है? जानवर नहीं आते होंगे ना यहाँ पे? नहीं भाटे उठे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कमाते हम लोग का पैसा मिल जाता है, नहीं, नहीं। वो तो दिक्कत नहीं होगी आप लोग, वो तो अच्छे बस दिक्कत आपको सरकार से है कि सरकार कुछ काम आप लोग करना चाहिए। यहाँ हम लोग देखिए भैया खा रहे हैं कमा रहे हैं, सही बात। तो आप लोग यहाँ नहीं आते तब? सही बात, वही प्लान नहीं फैक्ट्री होती तो कैसे आए? कम से कम हम लोग कौन सा जिला? गया जिला, गया जिला तो आप लोगों के यहाँ अगर होता तो आप लोग यहाँ आते नहीं? नहीं आते भाई, तीर्थ करने हम लोग वहाँ जाते हैं हिंदू को, जो पैतृकता वाली बात है। गया जिला जो है हिंदू बौद्धिक स्थल भी है और बौद्ध धर्म का भी स्थल है, क्योंकि यहाँ पितरों का विसर्जन जो है आखिरी जब वो लोग जाते हैं तो गया में जाते हैं, और बोध गया जो है कि जो है भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित, वहाँ से बेचारे ये आ रहे हैं उतनी दूर से, इतनी दूर दार्शनिक रूप से तो बहुत ऐतिहासिक, बहुत ऐतिहासिक, लेकिन अब उस ऐसे लोग की गुर्बत इतनी है, गरीबी इतनी है कि वहाँ से लोग यहाँ चले। दिल्ली में जाते हैं तो बार बार लॉकडाउन लगा देते हैं। लॉकडाउन से? अच्छा लॉकडाउन से बड़ी दिक्कत हुई होगी आप लोगों? अच्छा लॉकडाउन में आप लोग, लॉकडाउन में आप लोग कहाँ थे? घर चले गए थे? तब घर तक काम बंद हो गए तो भट्टे पे थे, तो सरकार ने कहा कि कुछ काम है ये नहीं है तो बाल बच्चा के कहाँ से खिला पिलाएंगे, तो ईटा पात पात के तब वो ईटा बंद करो, पथिया नहीं होगा, जैसे काम करेंगे तब ना दो को पैसा देगा हमको मालिक, काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से देगा भाई? उसकी तो मजबूरी है ना, तो जैसे हम बैठल है तो हमको पैसा तो नहीं मिल रहा है, तो बाल बच्चा तो हमको भूखे रह रहे हैं कि मालिक देगा हमको पैसा? नहीं देगा पैसा, जब तक कमाएंगे ना जब तक नहीं देगा पैसा। अभी बारिश हो गई है, अभी बैठे हुए हैं, बैठे हुए तो अभी पैसा देगा मालिक? नहीं देगा। ये पानी सुखा रहे तो पैसा देगा मालिक? नहीं देगा। काम करेंगे तो भाई आपका, बस भाई काम करेंगे तो पैसा देगा। नहीं बात तो सही, फालतू वाला काम में पैसा नहीं, गुजारों से बैठा ले तो कहाँ से पैसा मिलेगा? हाँ सरकारी नौकरी रहता कुछ भी पाए, सरकारी नौकरी रहता नहीं भी जीते काम में 1-2 दिन तो पर भी पैसा मिल जाता। लॉकडाउन में सब घरे है सरकारी आदमी, लेकिन फिर भी पैसा मिल रहा है कि नहीं उसका? मिल रहा है सर, ये झूठ बोल रहा है। सही है। वो भाई नौकरी वाले को तो मिल रहा है सरकारी, लेकिन बीवी बच्चा उसको आराम से खा रहा है, और गरीब के बाल बच्चा खूब रो रहा है, कहे कि 10-15 दिन काम पर नहीं जा रहा है, महीना महीना दिन काम पर नहीं जा रहा है, तो रोए रहा है बाल बच्चा उसका।